आज की रात हम लोग गुड़ियों के साथ बिताने वाला है, वो भी उन्हीं की फैक्ट्री में। और ये जो डॉल्स है वो आम डॉल्स नहीं है, इनके अंदर जान भरी हुई है। ये डॉल्स अपने आप ही गायब हो जाती है। और इस गेम को खेलते खेलते मैं कुछ ऐसे सीक्रेट्स रिवील करने वाला हूं जो आपको शायद नहीं पता होंगे, और पता होंगे फिर भी सुन लेना, ठीक है। इसकी कहानी है कि मैं इस टॉय फैक्ट्री में पहले काम करता था, और बीच में अचानक कुछ तो हुआ कि सारे लोग गायब हो गए। यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉइज थे सारे लोग टॉयज में कन्वर्ट हो चुके हैं, और उन लोगों की मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए मैं आ चुका हूँ दया के साथ। लेकिन उससे पहले गाइस सब्सक्राइब मार देना, क्योंकि हगी वगी सबका अकाउंट चेक करेगा। सबसे पहले फैक्ट्री में मुझे मिली है एक चिट्ठी। तो इस गेम का नाम है पॉपी प्ले टाइम, और इस चिट्ठी पर जो लाल फूल दिख रहा है उसका भी नाम पॉपी है। अगर आपको याद हो तो पॉपी फ्लावर ये और एक गेम में आता है, और उस गेम का नाम है माइनक्राफ्ट। गोलेम मरने के बाद जो फूल ड्रॉप करता है वही है पॉपी। अगर मैं गूगल करूँ कि पॉपी फ्लावर का मीनिंग क्या है, कॉन्सोलेशन रिमेम्बरेंस एंड डेथ, मतलब कोई मरने के बाद एक पॉपी का फूल दे जाता है। अब गेम के स्टार्टिंग में ही हमें ये फूल दे दिया, मतलब समझ जाओ गेम में क्या होने वाला है। यहाँ पर मैं आ चुका हूँ फैक्ट्री के अंदर, और ये एरिया बहुत जाना पहचाना लग रहा है मुझे। यहाँ पर रिसेप्शन में एक लड़की बैठती थी, उसका क्या हुआ पता नहीं, बट इस टेप से हमें कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। बेचारे कंप्यूटर को पूरा फेंक दिया है। अब क्योंकि मैं स्टाफ में काम करता था इसलिए मैं स्टाफ ओनली सेक्शन में जा सकता हूँ, बट आई थिंक ये दरवाजा लॉक्ड है। दया दया किधर है वो दया? अच्छा दया गाड़ी पार्क करने गया, आएगा वो थोड़ी देर में। तो हमें यहाँ पर एक कोड डालना होगा, और ये पासवर्ड हमें कहाँ से मिलेगा ये मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं इधर काम करता था भाई। ये जो यहाँ पर चुक चुक गाड़ी घूम रही है ना, यही हमारा पासवर्ड है। ग्रीन पिंक येलो रेड, मार लो भाई रट्टा। ग्रीन पिंक येलो रेड, खुल गया भाई दरवाजा। मुझे अभी भी याद है मैं यहाँ पर बैठ के बर्गर खाया करता था, यहाँ पर इतनी सारी टीवी है ना, एक भी नहीं चलती थी। और यहाँ पर हमें सीडी डालने का है, सीडी यहाँ पर है, सिर्फ इसको छोड़ के ये टीवी मस्त चलता है, लेकिन वो सिर्फ डीवीडी चलाता है। ग्रैब पैक, ये वो ग्रैब पैक है जो हमारे कंधों पर जाएगा, जिससे हम चीजें उठा के फेंक सकते हैं। और ये इतना खतरनाक है कि हाँ भाई पूरा मुंडी उखाड़ दिया उसका। बट मुझे दो तो सही शायद से यहाँ पर बंद है। एक खुला खुला ऑटोमेटिकली खुल रहा है, और इसको हम उठा लेंगे। चलिए लग चुका है, इसको ऐसा फेंकने का और उठाने का बड़ा मजा आता है। इस गेम की फिजिक्स जो है वो बहुत बढ़िया। ओ, 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 खड़ी हो गई कुर्सी। ये है पॉपी प्ले टाइम MLG ट्रिक, डूबती हुई कुर्सी को खड़ा करना। ओ, ये भी खड़ी। ओ नहीं नहीं नहीं, इतनी कुर्सियों में कभी मेरे दोस्त बैठा करते थे, अब वो कहाँ है मुझे उनको ढूंढना पड़ेगा। पॉपी वॉन्ट्स टू प्ले, चला जा लुका छुपी खेलते हैं। पॉपी का धप्पा, ये कुत्ता किसका है? तुम्हारा भी धप्पा। हगी वगे का धप्पा। देखो गाइस मैं इस कंप्यूटर को कैसे सीधा करता हूँ। ये हो गया सीधा। यहाँ पर भी एक सीडी है जिसको हमें प्ले करनी है स्टार्टिंग वाले। ये बोलो कि इनोवेशन जोन में जाना मना है, लेकिन हम तो जाएंगे भाई। यहाँ पर से हम इजीली कूद सकते हैं, तो फटाफट से अपना फिंगरप्रिंट डालते हैं यहाँ पर, और दरवाजा खुल चुका है, और जाते हैं सीधे हगी वगे सामने। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील होने वाला है। मैं करूंगा। मैं इन बॉक्सेस के पीछे कोई दरवाजा तो नहीं? हगी वगी भाई साहब पाई लागू, प्लीज अच्छा आशीर्वाद देना, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर पता चल चुका है कि ये जिंदा है, और वो कैसे? अगर मैं इसके यहाँ पर ध्यान से खड़े रह के देखूं, इसकी बॉडी हल्की हल्की सी हिल रही है, स्पेशली उसका चेस्ट वाला एरिया। बॉडी पे ध्यान मत दो, ये फेदर्स पे ध्यान दो। ये फेदर्स देखो ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है, दिख रहा है? इसका मतलब ये है कि ये खड़े खड़े सांस ले रहा है, ACP को चकमा नहीं दे सकता ये। तो गेम बनाने वालों ने स्टार्टिंग में एक क्लू दे दिया कि ये जिंदा है, लेकिन ये सिर्फ एक क्लू नहीं है और दूसरा क्लू भी है, और वो है इसकी आंखें। इसकी दो नहीं चार आंखें है, चार। इसकी जो काले काले प्लास्टिक की आंखें है ना, उसके अंदर असली वाली आंखें है। तुम लोग को अभी नहीं दिख रहा होगा, रुको जरा मैं ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ, ब्राइटनेस मैं फुल कर देता हूँ, एंड अब देखो। और इससे भी बड़ी क्रीपी चीज ये है कि ये आंखें हमें फॉलो करती है। देखो मैं लेफ्ट में खड़ा हूँ, वो आंखें लेफ्ट में देख रही है। मैं सेंटर में खड़ा हूँ, आंखें सेंटर में देख रही है। और मैं राइट में चला जाऊं तो आंखें राइट में हो गई। और ये सिर्फ तुम्हें ब्राइटनेस फुल करने पर ही दिखेंगी अच्छे से, ब्राइटनेस अगर मैं लो कर दूं तो बिल्कुल दिखाई नहीं देती है। ये दो क्लू है कि ये हगी वगी जिंदा है, लेकिन आगे गेम में जाके एक और क्लू मिलने वाला है हमें, जो बहुत लोगों ने मिस किया मैं पक्का बोलता हूँ। एक नॉर्मल हगी वगी ऐसा दिखता है, अपने पैरों पर खड़ा है और उसके होठ चिपके हुए है, लेकिन यहाँ पर एक दूसरा हगी वगी है। ये देखो ये बैठा हुआ है और इसके होठ चिपके हुए नहीं है। इसकी स्माइल बहुत ज्यादा क्रीपी है, उसके दांत भी ग्रे है। छी ब्रश नहीं करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये बॉक्स के बाहर भी निकलता है, ये बंदा अपने आप चलता है। रुको इसको जरा ऐसा घुमाता हूँ मैं, चल निकला क्या? देखिए देखिए पीछे से निकल रहा है। ये देखो इसका पिछवाड़ा बाहर निकल चुका है, और इधर उधर लात मारता हूँ मैं इसको। अगी वगी एक हाई फाई देना। ये क्या हुआ? एक मिनट भाई, मैं इसको हाई फाई देने गया और मेरा हाथ ऑटोमेटिकली नीचे गया, उस वेंट की तरफ जा रहा है, मतलब वेंट में कुछ तो गड़बड़ है। एक हाई फाई तो दे यार। नहीं देगा ये। ओह निकला निकला भाई निकला भाई, इधर से सीधा इधर तक निकल गया ब्रो। इसको थोड़ा पकड़ के इधर लेके, नहीं पकड़ता है ये।
ओके, हम इस डॉल को नहीं पकड़ सकते। भाई ये अपने आप हिल रही है, देखो ये रहा हमारा कर्स्ड हगी वगी। कॉन्स्पिरेसी थियरी ये है कि ये बंदा लास्ट में जिंदा होएगा हमें मारने के लिए। अगर मेरे पास माचिस होती ना तो मैं इसको इधर ही जला देता। और एक हगी वगी है गाइज, ये मेरे को पहले नहीं दिखा, ये तो बहुत ही कॉमेडी दिख रहा है। काले काले होठ। भाई तेरे साइज का पैंट मिलता है कि नहीं? बार नहीं मिलता तो क्या खुद सिलवाते हो? मिले हगी ने थाना थाया नहीं थाया, अभी ये मेरे को खाएगा बाद में, तो हमें यहाँ पर हमारा दप्पा करना है। ओ ओ ओ पावर शुरू हो चुका, कुछ तो हुआ भाई। ओह यहाँ पर की आ गई, ये की मुझको दे दे। ले लिया मैंने, और क्या। तो ये की हमें शायद यहाँ पर डालनी होगी, खुल गया भाई। और एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मैं जो प्लेयर हूँ ना उसका रिफ्लेक्शन ही नहीं है, मतलब मैं कौन हूँ ये वो गेम बनाने वाले छुपाना चाहते हैं। क्यों छुपाना चाहते हैं वो तो एंड में ही पता चलेगा। चलो स्टाफ ओनली लिखा है, बट मैं स्टाफ था पहले। खोलो भाई दरवाजा। तो ये यहाँ पर हमारा लाइट रूम है, यहाँ से शायद हमें पावर रिस्टोर करना पड़ेगा ताकि मैं फैक्ट्री में आगे जा सकूं। यू नो यहाँ पर डूज एंड डोंट लिखे हुए जो कोई नहीं पढ़ता। तुम्हारा भी थप्पा रिमेम्बर नहीं करेगा जा। अरे यहाँ पर हाथ के थप्पे है, मतलब हमें थप्पा करना है इधर। लो भाई खोल दे। ओके ओके शांति शांति। ग्रैब टू डिवर्ट पावर, कर लिया। अरे हाँ पावर हमें उधर देना है, स्टार्टिंग में देखा था ना हमने, तो इसको यहाँ से घुमाना है। वाओ दिस इज सो कूल, ये तो अपना टेस्ला मशीन हो गया। बट यहाँ तक पहुंचूंगा क्या मैं? नहीं पहुंच रहा हूँ भाई, थोड़ा थोड़ा और थोड़ा और। हो गया भाई, हो गया हो गया हो गया, पावर खुल गया भाई। हगी भाग गया, देखा पता था। अब यहाँ से वो कहाँ भागा होगा पता नहीं, शायद वो उस वेंट में गया हो सकता है। ये तेरा दोस्त किधर गया बे बता। अच्छा यहाँ पर मुझे थप्पा करना है ना, ये ले कर दिया मैंने। और दरवाजा खुल चुका है। मेक अ फ्रेंड, मैं अकेला आया हूँ भाई, आया हूँ भाई, दिख रहा है मेरे को हगी वगी। तो अपेरेंटली यहाँ से भाग कर वो यहाँ पर आ चुका है। वो जिंदा है कि मर गया बे? मैं जाऊँ क्या नजदीक? तो इस वाले हगी को सबने देखा हुआ है, लेकिन ऐसी ही चीज गेम में आगे और एक बार आने वाली है जो किसी ने नहीं देखा है। मैं दिखाऊंगा तुम लोग को। मैं वो हगी अभी अभी इधर गया है। अरे तुम लोग को शो हगी मारू याद है क्या? इस दरवाजे के पीछे क्या है दया? ये दरवाजा तो बंद है, इसकी हैंडराइटिंग देखो, ये किसी बच्चे ने लिखा हुआ है। और हमने जो स्टार्टिंग में नोट पढ़ी थी वहां पर भी स्पेलिंग मिस्टेक थी, मतलब इस फैक्ट्री में क्या बच्चों का कब्जा हो चुका है क्या? आई डोंट नो। पहले तो हम लोग यहाँ पर जाते हैं भाई, इधर बहुत डरावना है। ये शायद से हमारा इलेक्ट्रिसिटी रूम है। और इसी, अरे भाई गैस वाले तेरे को बहुत मारूंगा मैं। ऐसा अचानक से क्या डर आता है? मुझे पीछे देखने से डर लग रहा है सच्ची। चलिए हगी वगी इस दरवाजे के पीछे हो सकता है भाई। यहाँ से म्यूजिक चेंज होना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर रास्ते की मार्किंग ऑलरेडी की गई हुई है, तो हमें उसी रास्ते पे जाना है। और यहाँ पर एक सीढ़ी मिलेगी हमें। अब हम आगे बढ़ते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ होने वाली है भाई, बहुत खतरनाक वाली फीलिंग आ रही है मुझे भाई। उसको देखो यार, इसको हमें क्या उठाना है क्या? ओके, और ये उठा के, ये ब्लू कलर था ना, ये लो लग गया भाई, शाबाश। हम ऐसे और तीन फ्यूज है। Remember to take breaks, ठीक है भाई, थप्पा। Breaks longer than 10 minutes are not permitted. अभी मेरे स्कूल में भी 10 मिनट का ही ब्रेक था। ये कैमरा चल रहा है क्या? एक दे दो ना, मेरे को इधर व्लॉग बनाना है। चलो बाकी का आइटम्स ढूंढते हैं। ये एक वहाँ पर है, चलो एक तो इजीली सामने ही मिल गया। और यहाँ पर शायद से मैं गैराज का दरवाजा खोल सकता हूँ। अरे तो सेम जगह है यार, हैंडल विद केयर, ठीक है भाई, टॉय है ना, तो हैंडल विद। एक सीढ़ी मिल गया, सीढ़ी को भी उठा लेंगे, फिर बाद में वहां पर जाके प्ले करेंगे। चल बता सीढ़ी क्या बोलती। तो अपेरेंटली यहाँ पर लोग पूछ रहे कि हगी वगी के बॉक्सेस कहाँ पर रखे हुए। एम्प्लॉयज को खुद नहीं पता कि हगी के बॉक्सेस कहाँ पर है, मतलब वो बॉक्सेस क्या खुद चल के चले गए? हो भी सकते है क्योंकि वो लोग जिंदा है। चले भाई हम लोग आगे बढ़ते हैं। और एक फ्यूज मिल गया भाई इधर, तो दो तो मिल गया ना, और एक चाहिए हमें। अरे वो देखो हमारा लाल हाथ वहां पर रखा हुआ है, मैं इधर से पकड़ के उठा सकता हूँ ना? नहीं आएगा। ओके ये तीसरा फ्यूज, चल आ जा तू भी आ जा भाई। ये लोग डॉल का हॉरर गेम बनाता ना, मेरे को बहुत डर लगता है सच्ची। चलिए हम लोग फिर से ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पर हमें फ्यूज भाई, और एक सीक्रेट मिल गया है भाई। इस हगी वगी को सब लोगों ने मिस किया है। ये देखो जरा इसको वेंट के अंदर से कैसे देख रहा है भाई, चमाट दूंगा मैं तेरे को। मेरा हाथ पहुंचता है क्या? वो पहुंच रहा है भाई, जरा देखो इसको वेंट में से कैसे क्रीपी स्माइल दे रहा है और मेरी तरफ घूर रहा है ये बंदा। लेकिन एसीपी की नजरों से कोई बच नहीं सकता। द फनी थिंग इज कि मेरा हाथ उधर तक पहुंच रहा है, मैं उसके मुंह पे उसको धप्पा कर रहा हूं। अब तो ऐसे ही घूरते रहेगा क्या मेरे को? चला गया भाई, चला गया। इसका मतलब हगी वगी वेंट के अंदर छुपा हुआ है। अब वेंट के अंदर मैं जाऊंगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं जाऊंगा भाई। सारे फ्यूज हम लोग ने यहाँ पर लगा दिए। और ओके, अच्छा वो ड्रॉप करेगा क्या नीचे? आ जा इधर इधर डाल, इधर डाल दिया, ठीक है भाई उधर जाता हूँ मैं। और क्या भाई, इधर से वो निकलेगा नहीं ना, इधर ही था वो हगी वगी। दरवाजा तो बंद है तो निकलना नहीं चाहिए। वेल हम लोग इसको ले लेते हैं। वाह भाई दोनों हाथ आ गए बच्चे, तेरा डबल हाथ से थप्पा। यहाँ पर एक क्यूट सा डायनासोर है, और किधर है? हेलो डाइनो, कितना मस्त दिख रहा है ना, इसकी फिजिक्स एकदम कड़क है। अब यहाँ पर मैं मेरे फिंगरप्रिंट्स लगा देता हूँ कुछ इस तरह से। धीरे धीरे दरवाजा खुलेगा भाई, अभी मेरे को वेंट में जाना है। हमने अभी अभी देखा वो वेंट में छुपा हुआ है, फिर भी मुझे वेंट में जाने के लिए बोल रहा है, बट और कोई रास्ता भी नहीं है, तो शायद हमें इसके अंदर जाना ही पड़ेगा।
भाई प्लीज आ मत, अभी अभी मत आ प्लीज। ओके कोई नहीं है, पूरा रास्ता खाली है और म्यूजिक भी चेंज हो चुका है, अब शांति है यहाँ पर। डेंजर डू नॉट एंटर, ठीक है अब किधर जाना है? ओ ये तो कनेक्ट करना है, ये तो नंबर टू वाला है तो हमें नंबर वन वाला ढूंढना है। नंबर वन वाला इधर ही किधर तो होना चाहिए ना। तू मेरा हीरो, ये रहा नंबर वन, मिल गया। तो ये नंबर वन पे डाल दिया, अब हमें तो ये रोलर मुझे ऊपर चढ़ने नहीं दे रहा है, रुक तेरे को तो बाद में देखता हूँ मैं। आया बड़ा शाणा, यहाँ से ऊपर चढ़ सकता हूँ क्या? हाँ भाई बिल्कुल चढ़ सकता है, और ये मैंने ये कनेक्ट कर दिया। अच्छा मैं समझ गया गाइस, इजी इजी। तो हमें ऊपर चढ़ना है इसको ऐसे, और फिर इधर कनेक्ट करना है ऐसे। आई जाना अबे, जा सकता है तू। अच्छा इसको भी कनेक्ट करना है ना, ठीक है भाई तू भी आ जा। चल इसको डाल दिया ऐसे, एंड देन ये आ गया भाई। चलो ये चालू हो गया अपने आप ही, ये चिटिंग है ऐसा नहीं है। ओए ओ भाई ये सब क्या है? अरे और एक बार और एक बार भाई, ये तो कचरा फेंक रहा है मेरे ऊपर, मेरी ये इज्जत, मेरा इंसल्ट कर रहा है ये गाइस। एक मिनट, नई जगह पर आ चुका है ये, क्या मेक अ फ्रेंड? अरे नहीं बनाना मुझे फ्रेंड, मुझे मेरे एम्प्लॉइज की रक्षा करनी है। यहाँ पर थोड़ा अच्छा म्यूजिक बज रहा है, मतलब इधर कुछ तो अच्छा होने वाला है। ये रहा यहाँ पर बटन है, और इसके ऊपर लिखा है नीड्स पावर, नोबडी लीव्स विदाउट अ टॉय। अच्छा तो हमें इसके अंदर एक टॉय डालना है, और टॉय बनेगा कैसे? ओ शायद से ये फैक्ट्री टॉय बनाती है, तो वेंट में जो कचरा फेंका था वो यहाँ पर आता है। शायद से हमें इसको नीचे खींचना होगा, बट ये अभी आएगा नहीं क्योंकि पावर नहीं है। पूरा ऊपर पावर दिख रहा है मुझे, बस कोई आ ना जाए यहाँ पर। ये पिंक सीढ़ी है इधर, तो पिंक सीढ़ी हमें कहीं पर तो ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। ओके व्हाट इज दिस, अब इसको क्या हमें खींचना है क्या? ओह नाइस ग्रेट, ये रहा पिंक सीढ़ी, मिल गया गाइस। अब इस पिंक सीढ़ी को यहाँ पर करते हैं प्ले, देखते हैं ये क्या बोलते हैं। स्टेला, ओ गाइस ये और एक सीक्रेट है, ये जो इंटरव्यू में जो लड़की बोल रही है ना, उसका आवाज तुम ध्यान से सुनो और याद रखो। इसकी आवाज का सिग्निफिकेंस हमें गेम प्ले के एंड में पता चलेगा, और ये बहुत बड़ा ट्विस्ट है भाई, बहुत बड़ा। कुछ अजीब बातें कर रही है। अरे बस कर बेटी, वही ना कुछ ज्यादा ही बड़बड़ कर रही थी वो, बट उसकी आवाज ध्यान में आ गई ना बस। अब इसको वन को शायद से वो टू वहां पर है, वहां पर कनेक्ट करना है। ये ले डाल दिया मैंने वन यहाँ पर, एंड मुझे ये लाना पड़ेगा नजदीक भाई। आजा ठीक है, अब इन दोनों को कनेक्ट करना है ना। ओ समझा गाइस, समझ गया। रुको पहले मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पर जाकर ना मैं इस प्लेटफॉर्म को यहाँ पर खींचता हूँ, ओके अब मैं वहां पर जा सकता हूँ। चलो ये हो गया कनेक्टेड, अब ये दूसरा भी हो गया कनेक्टेड, अब मैं जा सकता हूँ क्या? जा प्लीज पहुंच जा भाई, पहुंच गया यस। चलो दबाओ, अरे दबाना भाई, ये ले दब गया यस, पावर आ चुका है। ये फुटपट क्या हो रहा था? अब नीचे जाने का मेरे पास एक प्रो ट्रिक है, मैं एक हाथ इधर पकड़ूंगा, दूसरा हाथ भी इधर पकड़ूंगा, और नीचे कूद जाऊंगा, बस दोनों हाथ आ जाओ नीचे। चलो अब मैं यहाँ पर पावर ऑन कर सकता हूँ, यस आ गया भाई। चलो चालू हो जाओ आई, कुछ नहीं हुआ ठीक है भाई। इतने अचानक से कौन चालू होता है बे? जब बटन दबाए तभी चालू होना चाहिए ना भाई। देख मत मैं तेरा थप्पा करूंगा भाई, ये घूर रहा है मुझे, तेरी आंखें पूरी लाल लाल कर दूंगा मैं। इसको एक चमाट भी मारता हूँ, ये ले। यहाँ पर लाइट आ चुकी है, ओ ओ ओ, मतलब हमें इसको नीचे खींचना है ना। चलिए आ जाइए। और ये क्या है? ये तो कुछ पैर जैसा दिख रहा है मुझे, और यहाँ से आ चुका है कुछ बॉडी पार्ट्स, तीसरे वाले से सर आ चुका है। वाह इतना क्यूट है ये। डू नॉट एंटर, नहीं हम तो करेंगे भाई। चलिए अच्छा नहीं जा सकते, शी भाई मुझे भी देखना है अंदर। एक मिनट यहाँ से निकलेंगे ये लोग अभी। ए बंदुआ, इसका मुंह बंदुआ, आ रहा है। ये लोग चुक चुक गाड़ी का आवाज कर रहा है। नाइस पेंट होके आया भाई, बहुत क्या बढ़िया लग रहा है। अब इसके मुंह के अंदर जाने वाले ये लोग। चल भाई अच्छे से काम कर। ए अभी तो ठोक रहा है ये बंदा, बहुत गंदा है सच में। लेजर स्कैन हो रहा है, अच्छा वो चेक कर रहा है कि पूरा बराबर बना है कि नहीं। आजा मेरी प्यारी डॉल, अरे डॉल नहीं ये तो कुत्ता है, कुत्ता डॉल है सॉरी। चलिए आ जाइए, अरे मैं क्यों पीछे जा रहा हूँ भाई, आना लेट्स गो। डॉल मिल चुकी है, अभी हमें डॉल यहाँ पर प्लेस करनी है। ओके ये लो भाई मैंने डॉल कर दिया प्लेस, अब ये स्कैन करेगा। टॉय एक्सेप्टेड यस। अब सबको पता है यहाँ पर क्या होने वाला है, लेकिन एसीपी किसी से डरता नहीं है, एसीपी जाएगा सीधे उसके मुंह में। चलो हमेशा डर लगता है भाई, मैं बार बार आता है। ए भाई तेरे को दो हाथ से चमाट मारूंगा, ये ले और एक चमाट ले। चल चला जा, गरबा खेलता है गरबा, चला जा भाई। गरबे ने वाट लगा दी यार, आई नीड यू अलाइव, गेट अप, उठा लो भाई उठा लो। इवन दो मुझे पता था क्या होने वाला, लेकिन फिर भी डर लग रहा था यार। इस बार तो मैं सीधा भाग जाऊंगा भाई, गरबा यरबा कुछ नहीं, चला जा। आया भाई आया। चलो भागो, लेट्स गो, बस छुप जाओ इधर, अब तो तू नहीं आएगा ना। तू क्या चमाट मारोगे, अभी भी आ रहा है, ये पॉज हो रहा है, देखो पॉज हो गया था वो, देखा। हाँ चल मैं गया भाई, चल जा बाय बाय बाय। अब यहाँ पर मजा आएगा, चलो हगी वगी से तो हम बच चुके हैं, अब हमें क्या करना है। ओए भाई बचे नहीं है, ये आ रहा है ब्रो, किधर गया, भाग भाग के गया वो किधर, नॉटी बॉय।
नहीं 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 रुक रुक, जिधर नो लिखा है उधर भागना है। ओके ओके ओके, बहुत इंटेंस होने वाला है। भाग 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 भाग, अरे यार बंद है बंद है। अरे वो पीछे आ रहा है क्या, पीछे आ रहा है क्या? हेलो, अरे अरे आ रहे वो, अरे 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 अरे, तू मजा पट्टी कशाला, ये तो इधर ही है, इधर ही आना आना, टक ले, तेरे को देखता हूँ मैं बाद में, रुक तू। अरे यार इधर नहीं जा सकते यार, थोड़ी सांस लेने दो यार। भाई मुझे लिटरली गूज़बम्स आ रहे हैं, देखो बहुत खतरनाक। इजंट ही वंडरफुल लिखता है, कैसा बेशरम लोग है लोग। इस बार तो मैं बचेगा, मैं झुकेगा नहीं, मैं नहीं झुकेगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं म्यूजिक बंद कर देता हूँ, ठीक है? ये लो मैंने म्यूजिक बंद कर दिया, अभी मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अब मजे करेंगे, अभी अभी आराम से जाऊंगा मैं, आराम से, यू नो, अभी यू नो स्ट्रेस नहीं है क्योंकि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ऐसा थोड़ा स्मार्ट खेलना पड़ता है हगी वगी के साथ, एसीपी का दिमाग है भाई, बहुत स्मार्ट चलता है। ओ ये रहा, यहां पर जाना था क्या? ओके आई सी, मिल गया मिल गया, रास्ता मिल गया गाइस, चलो चले। आ रहा इधर से भाई, दरवाजा खोल। अरे व्हाट इज दिस, खुला 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 खुला, यस स्टॉप डेंजर, स्टॉप डेंजर। भाई मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, मैं ऐसे ही भाग रहा हूँ मजे लेके। चलिए ओ बाहर आ गया, बाहर आ गया। अभी तो वॉल्यूम ऑन करता हूँ ना, अभी किधर से आ रहा है, एक मिनट, इधर है कुछ तो। एंड ये गिर गया, गिर गया भाई। ओ हगी वगी, ठीक है भाई, रेस्ट इन पीस ब्रो। ये ट्रिक हमेशा काम करती है ऐसी चेजेस में, वॉल्यूम बंद कर देने का। भाई और एक सीक्रेट देख रहे हो तुम, हगी वगी नीचे गिरा है ना, इसने खून स्प्लैश किया इधर, मतलब वो डॉल के अंदर खून दौड़ रहा था भाई, और यहाँ पर भी खून के छींटे उड़े हुए हैं। इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब वो डॉल डॉल नहीं है, वो एक एंटिटी है। इधर बहुत कुछ गड़बड़ हो रहा है, और वो देखो भाई, ये पॉपी का फूल है भाई, सेम जो माइनक्राफ्ट में गोलेम हमें देता है, और ये फूल का सिग्निफिकेंस इस गेम में बहुत ज्यादा है भाई। अभी मैं धीरे धीरे से चलूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कहीं से वो आ जाए। नहीं वो तो मर गया ना, इतनी बड़ी फैक्ट्री यार ये, वाओ आई लाइक दिस। और ये रास्ते में कुछ तो गिरा हुआ है, ओ ये कैसेट है, उठा लेंगे भाई। और टीवी वहां पर है, चलो कैसेट प्ले करते हैं। ये लो डाल दिया मैंने कैसेट, चल बता। फाइनल लॉग, फ्लॉ इन अ साइंटिफिक प्रोसेस बोला वो, मतलब वहां से हगी वगी पैदा हुआ शायद। ओ भाई एंड में ना दरवाजा तोड़ने की आवाज आया, और कोई तो भागते हुए इसके पास आया, और फिर टेप खत्म। आई थिंक वो हगी वगी था, क्योंकि जिस स्टाइल से भागा ना, वो भागने की आवाज सेम हगी वगी जैसी थी। तो हगी वगी ने इस साइंटिस्ट को मार दिया भाई। अबे सीडी प्ले करके हो गया तो बाहर तो निकल, अंदर ही रहेगा क्या? तब हमें जाना है उस फूल के अंदर, फूल के अंदर जाके मेरा फूल ना बन जाए। ओ भाई ये तो मेरी डॉल है ना, मेरी डॉल इधर कैसे पहुंची? यहाँ पर वो डायनासोर है जिसके पैर निकाल दिए गए है। मिस्ट्री ये है कि ये सब चीजें किसने लिखी और किसके लिए लिखी है। जैसा कि मैंने पहले बोला था, एम्प्लॉइज टॉयज में कन्वर्ट हो चुका है, इसका मतलब ये सारे फैक्ट्री के एम्प्लॉइज है, और इनको सीधा लटका के मार दिया गया भाई, वो भी बुरी तरह से। पहले तो बाद में ही पता चलेगा, पहले तो हम लोग जाते हैं इधर। आई भाई पूरा ग्राफिक ही बदल गया, ये ग्राफिक कितना मस्त तगड़ा है, और इसको देखो ये ग्रैनी गेम जैसा लग रहा है। ठीक है भाई दरवाजा बंद करो, पीछे से कोई आना नहीं चाहिए है ना, पता चला पीछे से आके धप्पा कर दिया। टिंग 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 टिंग, कुछ तो बज रहा है भाई, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ होने वाली है भाई, ये आवाज बढ़ती जा रही है। व्हाट अ लवली रूम, ये तकिया दे रहे, मेरे को नींद आ रही है। इस गेम की एक बात अच्छी लगी कि सारे तकियों के साथ हम लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं, मतलब ऐसे ही शो के लिए नहीं पड़ी है, तू भी आ जा तकिए। ओ वाओ क्या फ्लिप मारा है भाई, ये वो टॉय घोड़ा है। ये कबाट खोलो क्या? नहीं खुलता। ये कबाट के पीछे दरवाजा है गाइस, सीक्रेट दरवाजा। यार ऐसे टाइम पे दया बहुत काम आता है यार, बट ये खुल नहीं रहा। मैं खोलने की कोशिश करूं तो नहीं खुल रहा है भाई, लेकिन इस दरवाजे के पीछे जरूर कुछ ना कुछ है, क्योंकि इस दरवाजे को कबाट से छुपाने की कोशिश की गई है। और ये टॉय पीछे से पूरा खाली है भाई, खोखला है, इसका मतलब घर के अंदर सारे लोगों को खत्म कर दिया गया है भाई। अरे और भी तकिए, तू ये ले तू ये ले, चल उठाओ। अरे वाह क्या फ्लिप मारा है, वाह ये तो मैंने देखा ही नहीं। यहाँ पर एक शैडो हिल रहा है गाइस, पूरी लाइट्स बदल चुकी है, और इस शैडो में कोई तो घूम रहा है अंदर भाई। दरवाजे के पीछे क्या है, लेट्स ओपन। तो ये घूम रहा है क्या, अशी चिंदी लाइट। इधर भी तकिए भाई, वाह। अब गाइस तुम लोग को स्टेला याद है जो इंटरव्यू दे रही थी, मैंने बोला था उसकी आवाज को याद रखो, होपफुली उसकी आवाज को याद रखा होगा, लेकिन अब सुनना। अब मैं इसको खोलने जा रहा हूँ एंड ओके। Yes, I opened your case. ये आवाज सेम स्टेला जैसा है, इसका मतलब वो स्टेला ही पॉपी है। वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब मत देना, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।